नमस्कार, इंडिया टैप न्यूज में आपका स्वागत है। फूलन देवी की बिना परमिशन 20 फुट ऊंची लगाई जा रही मूर्ति पुलिस ने लिया कब्जे में। बांगरमऊ तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बदलीपुरवा गांव के एक इंटर कॉलेज में बिना परमिशन लगाई जा रही थी फूलन देवी की 20 फुट मूर्ति पुलिस ने लिया कब्जे में। आपको बता दें कि बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के बदलीपुरवा गांव के मिथिलेश कुमारी सत्यनारायण इंटर कॉलेज में बीती रात 20 फीट ऊंची फूलन देवी की मूर्ति लगाई जा रही थी, जिसका आज रविवार को अनावरण होना था। अनावरण के लिए विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी को आना था, जिसकी ग्रामीणों द्वारा बंधक लगने से पुलिस को सूचना मिली। उप जिलाधिकारी बांगरमऊ दिनेश कुमार, क्षेत्राधिकारी बांगरमऊ आशुतोष और कोतवाली प्रभारी मुकुल प्रकाश वर्मा ने भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर फाउंडेशन को तोड़वाकर मूर्ति को कब्जे में लेकर कोतवाली भेज दिया। माहौल को तनावपूर्ण देखते हुए गांव में पीएसी बल तैनात कर दिया गया तथा किसी भी अनहोनी न होने पाए इसके लिए क्षेत्र अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। मेरा नाम संतोष सहनी है और मैं विकासशील इंसान पार्टी का युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और आप मेरे साथ खड़े हैं श्री कैलाश निषाद जी जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। ये जो प्रोग्राम आज आप कर रहे थे फूलन देवी जी का, ये उसी बैनर तले कर रहे थे? जी जी, ये माननीय श्री मुकेश सहनी जी जो हमारे ये पार्टी के संस्थापक हैं और बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, ये उन्हीं के दिशा निर्देश और उन्हीं के आदेश पर जो है हम लोग 18 मंडलों में 18 फूलन देवी जी की मूर्ति को स्थापित करके और एक पुष्पांजलि का प्रोग्राम हम लोगों ने रखा था। चूँकि आज शहादत दिवस था उनका, तो हम लोगों ने रखा था। तमाम जिलों में भी ये कार्यक्रम जो है किया जा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उसको करने नहीं दिया है। मैं उन्नाव से नहीं, ये तो करने नहीं दिया तो फिर कहीं भी नहीं करने दिया होगा। नहीं नहीं, ये लोग मूर्ति रख के और कार्यक्रम करने के लिए सख्त मनाही किए हैं। ये बोल रहे हैं कि प्रशासन की बिना अनुमति के आप मूर्ति रखकर और ये कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। तो क्या आपने अनुमति नहीं ली थी? देखिए, अनुमति की बात ये है, हम अगर उस मूर्ति को किसी सार्वजनिक स्थान पर रखते, किसी पब्लिक प्लेस पर रखकर अगर हम कोई कार्यक्रम करते तो मुझे अनुमति लेने की जरूरत। कोविड काल में वैसे भी परमिशन ले लेना चाहिए, जबकि वहाँ कुछ भी नहीं होंगे तब भी 10-20-50 लोग तो इकट्ठा हुए। 50 लोगों की अनुमति, 20 लोगों की अनुमति का क्या मतलब है? हम एक स्कूल में उस कार्यक्रम को पुष्पांजलि अर्पित करते, 2-5 लोग आते पुष्पांजलि देते चले जाते, फिर 2-5 लोग आते पुष्पांजलि देते। ये कोविड का हवाला देकर अगर हमारी मूर्ति उठाते कि आपने कोविड के नियम का प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है तो मैं इस बात को मानता। ये तो यही नहीं बता पा रहे हैं कि हम क्यों मूर्ति उठा रहे हैं। जितने इंस्पेक्टर, चाहे उन्नाव की घटना हो, चाहे मेरठ की घटना हो, चाहे आगरा की घटना हो, चाहे बनारस की घटना हो, ये लोग सिर्फ ये बोल रहे हैं कि ऊपर से आदेश है, ऊपर से आदेश है। ऊपर से क्या आदेश है? ऊपर से यही आदेश है कि आप किसी भी समाज और किसी भी बिरादरी को इतना दबाओ, इतना कुंठित करो, इतना परेशान करो कि वो उस अत्याचार को सहने के बजाय हथियार उठा ले, आंदोलन करे, सड़क पे आए। यही सब तो समस्या है। ये सरकार, देखिए, ये सरकार पिछड़ों की और दलितों की, वंचितों की, जितने भी बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं उन लोगों के लिए तो ये कुछ भी नहीं काम कर रही है। और बेरोजगारी अलग से है, पूछिए ना प्रधानमंत्री जी से कि 15-15 लाख रुपए खाते में कब आएंगे, पूछिए ना। कि ये एक राजनीतिक विषय नहीं, राजनीतिक विषय नहीं, ये लोग जो कहते हैं वो करते भी नहीं है। और जो हम कुछ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हम कुछ शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं तो उसको करने भी नहीं दे रहे हैं। ये एक राजनीतिक विषय, जब बात निकलेगी तो सारी बातें पूछी जाएगी ना। अच्छा, एक वो एक राजनीतिक विषय, वो ये अलग चीज है, वो अलग विषय है। आप सिर्फ अपने विषय पर, हम अपने विषय पर ही बोल रहे हैं। दुर्गा जी के पंडाल में जब दुर्गा जी की मूर्ति लगाई जाती है तो किससे परमिशन ली जाती है? सब जगह परमिशन, बिना परमिशन कहीं नहीं होती। क्या परमिशन ली जाती? और अगर आप दुर्गा जी की मूर्ति खरीद कर और अपने घर में गणेश जी की जो पूजा होती है, जो गणपति बप्पा मोरिया पूरा महाराष्ट्र करता है और आज भी लोग घर में मूर्ति रख रख के पूजा करते हैं, वो सब क्या अनुमति ली जाती है? सब घरों में लोग अनुमति लेते हैं। हम लोगों ने भी तो अपने घर में उसको प्राइवेट, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, हमारी मूर्ति उन्नाव की प्राइवेट प्रॉपर्टी से उठाई गई है और ये बहुत ही निंदनीय है। और वो भी रात के अंधेरे में बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, यहाँ तक कि फोटो नहीं खींचने दिया गया।
हमको तो ये भी नहीं पता चल पाया था कि वो पुलिस के लोग उठा रहे हैं कि चोर लोग उठा रहे हैं। ये तो पुलिस आज बताई है कि हाँ हम लोगों ने उठाया है, हम मूर्ति कब देंगे इसकी बात कर रहे हैं, तो कोई हमको सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ये तो बहुत मतलब पूरी चलिए इस विषय पे हम सीओ साहब से बात करेंगे। पूरा पूरा निषाद समाज के साथ जो है ये लोग बहुत घोर अन्याय कर रहे हैं और बहुत बड़ी आबादी को इस भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक तरह से विरोधी दुश्मन बना दिया है। हाँ बताएं कैलाश जी। मैं कैलाश नाम निषाद, प्रदेश सदर नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन राष्ट्रीय निषाद संघ। हम लोगों का फूलन देवी वीआईपी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी माननीय मुकेश साहनी जी उनके पार्टी द्वारा पूरे 18 मंडल में उत्तर प्रदेश में फूलन देवी की मूर्तियों की रख करके माल्यार्पण शहादत दिवस मनाने का कार्यक्रम था। इसी क्रम में लखनऊ मंडल की हमारे बांगरमऊ में सत्यनारायण निषाद मिथिलेश कुमारी सत्यनारायण उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम था। हम लोगों को निर्देश हुआ कि आप लोग कार्यक्रम नहीं करेंगे, तो हमने कहा कि हम कार्यक्रम नहीं करेंगे लेकिन पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसी तहत कल रात में इंस्पेक्टर बांगरमऊ मुकुल राय जी, मुकुल कुमार वर्मा जी FDM रात में जा करके हमारी मूर्ति को वहाँ से उठा लिया और पूरा जो फाउंडेशन जहाँ पर रख करके कार्यक्रम होना था उसको भी तोड़ दिया। इसके बाद में ये पूरी तरीके से बहुत ही निषाद समुदाय के लिए घृणित कार्य किया गया और उनकी आत्मा भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया। क्या निषाद समाज की वीरांगना फूलन देवी और जो गुलाब सिंह लोधी है वो स्वतंत्रता सेनानी रहे, उनकी भी मूर्ति स्थापित नहीं होने दे रहे हैं? मनोहर लाल जी उनकी भी मूर्ति स्थापना नहीं होने दे रहे हैं? और पूर्व विधायक यहाँ हेमराल लोधी थी, उनकी भी मूर्ति स्थापना नहीं होने दे रहे हैं? क्या इसी समाज के साथ ये आज आप किसकी मूर्ति स्थापना कर रहे थे? आज मूर्ति स्थापना नहीं कर रहे थे, वहाँ फाइबर की मिट्टी की मूर्ति थी, उसको रेकर के शहादत दिवस उनका मनाने का कार्यक्रम था हमारा, पुष्पांजलि अर्पित करनी थी। वो कार्यक्रम आज पुलिस प्रशासन नहीं करने दिया, उन्होंने कहा हमारे ऊपर से निर्देश हैं। और क्योंकि हमारा संस्था लगातार जो राष्ट्रीय निषाद संघ है इसके उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष रहे स्वर्गीय मनोहर लाल जी, जो 1994 सपा बसपा गवर्नमेंट में फूलन देवी को रिहा कराने काम किया गया था, उसी के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में हर साल 2001 में फूलन देवी की हत्या की गई थी, उसके बाद में शहादत दिवस पूरे प्रदेश में हमारी संस्था मनाती है। उसी क्रम में वीआईपी पार्टी के साथ में हमारा कार्यक्रम था, मिलकर के हम लोग कार्यक्रम मना रहे थे और जो मनाने नहीं दिया गया रोक लगा दी गई, पुरुष प्रशासन बैठा दिया गया। इससे हमारे समाज में बड़ा रोष है और भाजपा सरकार के प्रति बहुत आक्रोश है और इसका आने वाले चुनाव में खामियाजा भारतीय जनता पार्टी भुगतना पड़ेगा। थाना बांगरमऊ के बदलीपुरवा गाँव में एक निजी विद्यालय में मूर्ति लगाने की सूचना मिली। सूचना पाकर बांगरमऊ पुलिस आयोजकों से संपर्क करके उनसे पूछा तो उनके पास इस प्रकार के आयोजन की कोई अनुमति नहीं थी। आयोजकों से बात की गई कि बिना अनुमति के ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। मूर्ति को कब्जे में लेकर थाने में रख दिया गया है, शांति व्यवस्था कायम है।